हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जिससे आपको 1 से 2 अंक अवश्य मिलेगा। किसी भी कंपटीशन में बैठें उसमें इन प्रश्नों में से लगभग एक प्रश्न अवश्य आता है, जो कि टॉपिक वाइज लेके आए हैं। इस वीडियो को टॉपिक रहेगा आज का एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लासा और मासा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है आपके लिए। देखिए, इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेमी लंबे और 9 मीटर 2 सेमी चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो आपको देखिए, यहाँ सोचने वाली बात है। सर, न्यूनतम टाइल्सों की संख्या पूछी है। कम से कम टाइल लगाने के लिए हमें इस कमरे में बड़ी से बड़ी टाइल कितनी बड़ी लग जाएगी, पहले उसकी माप निकालनी होगी, यानी कि इसका हमें महत्तम समापवर्तक निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का। उसके बाद जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो टाइल्स की एक भुजा होगी, वर्गाकार है उसकी एक भुजा होगी, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तब आप इसे हल कर पाएंगे। तो आप मासा पार निकाल लेते होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर इससे पहले आप सेमी में बनाएं तो ये आपका बनेगा 15 17 सेमी, जो कि इसके अगर फैक्टर किए जाएं तो इसके फैक्टर 37 गुणा 41 निकल के आते हैं। 15 17 ये आपका इसे बनाएंगे सेमी में, 15 मीटर और 17 सेमी को अगर हम मीटर सेमी में बनाएंगे तो ये संख्या बन जाएगी 15 17 सेमी। और इसके फैक्टर करते हैं हम तो इसके फैक्टर आते हैं 37 गुणा 41। समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ 9 मीटर 2 सेमी है, 2 सेमी को मीटर बनाएंगे तो 0.02 मीटर बनेगा, 100 का भाग करना पड़ेगा सेमी में तब मीटर बनता है। तो अब इसे इसमें जोड़ेंगे तो 9.02 बन जाएगा जी, 9.02, इतना इसका सेमी बन गया। ये क्या बन गया? ये सेमी। 9 मीटर को अगर सेमी में बनाएंगे तो 900 सेमी हो जाएगा, और 2 सेमी यह है तो टोटल 902 सेमी हो जाएगा। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, तो 902 था ये। ठीक, इसके अगर फैक्टर करेंगे 902 के, इस तरह से आप कर लेना 902 के इस तरह से जो करते हैं आप, तो देखिए इसके जो आएंगे वो 2 गुणा 11 गुणा 41, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, बस आप पहले इसके फैक्टर कर लिए इस प्रकार से, दोनों के जो कमरे के लंबाई चौड़ाई दे रखी है उसके आप इस तरह से फैक्टर कर लें। उसके बाद आपको जो एक जैसी संख्या लग रही हो उसे काट दें, जो उसमें उभयनिष्ठ संख्या हो उसे काट दें, बस बाद बाकी बची संख्या का मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कैसे गुणा करेंगे? देखिए, सबसे पहले 2 का 37 का 2 को गुणा कर लीजिए कितना होता है, या पहले 11 का गुणा कर लीजिए इसमें। तो देखो, 11 का एक ट्रिक है, जब 11 का गुणा करते हैं या 37 में गुणा करेंगे तो 7 पहले यों के तो लिख दीजिए, और इन दोनों अंकों का जोड़ करेंगे, 7 और 3 10 होता है, तो 10 का 0 आ जाएगा और एक हाथ लगे वो 3 में जुड़ जाएगी, 4। यानी इसके बीच में अंकों का योगफल दे देते हैं, अगर 2 अंकों की बनती है तो उसका कैरी इसमें यानी हाथ इसमें जोड़ देते हैं पीछे वाले में। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या, 407 हो गया, जब 11 7 77 और 7 हाथ 11 33, 33 और 7 40 होता है, मल्टीप्लाई में रह गया 2, अभी 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 दुनी 14 बनेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 बनेगा, तो 814 है। तो 814 है आपका ऑप्शन ए में।
तो आप समझ गए होंगे कि प्रश्न कैसे करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको 15-17 ये सेमी बना लिया और 902 भी सेमी बना लिया, दोनों वहाँ पे आपने ये सेमी में बना ली। अब आपको करना क्या है, इसमें इसके फैक्टर जो करेंगे आप वो 37 × 41 बन जाएंगे, और इसके फैक्टर करेंगे 2 × 11 × 41 41 एक जैसा हो उसे आप यहाँ से हटा दीजिए, इन तीनों गुणा कर लीजिए, 814 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न देखिए एक ये परीक्षा में आया हुआ है, और एक प्रश्न और है देखिए, यही प्रश्न दोबारा से रिपीट किया गया परीक्षा में, अगली परीक्षा में टेट की परीक्षा में, तो वही आंकड़े हैं देखिए, 15 मीटर 17 सेमी, 9 मीटर 2 सेमी देख रहे होंगे आप यहाँ पर। तो इस प्रश्न में हो सकता है कि ये डिक्टो प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाए, इसलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो में। अगला जो प्रकार है इस मासा और लासा का, वो आप एक फॉर्मूला होता है कि लासा गुणा मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस फॉर्मूले पे आपको परीक्षा में लगभग प्रश्न मिलना तय है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इस प्रश्न को कई तरीके से पूछ सकता है। चलते हैं किस तरह से करना है आपको ये प्रश्न, उसके लिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसे याद कर लें, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या क्या है, मान लीजिए हमें पहली संख्या दी है उन्होंने ए, यहाँ पे देखिए ए और आठ ये आपको संख्या दे रखी है, तो पहली संख्या ए है गई गुणा दूसरी संख्या 8 ले लेते हैं, ठीक है, बराबर लासा गुणा मासा, यानी कि अगर लासा लिया जाए तो 24 है, पहले लासा लिख लो या मासा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो अब 8 से अगर 24 को काटें तो 3 बार कटेगा, और 3 × 12 इन गुणा कर लें दोनों का, 3 × 12 होता है, ऑप्शन सी में सही है, यानी ए की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, आपकी समझ में आया 8 से 8 3 बार, और 3 से हम काटें इसे 3 × 4 मारे तो 12 आ जाएगा, तो ए बराबर 12 आ जा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। इस प्रकार का प्रश्न आपसे लगभग पूछ लेता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, इसी प्रकार का इसी फॉर्मूले पे है, देखिए क्या कहा है इन्होंने, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 और 19 निवासी है, यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो एक संख्या मान ली हमने x, तो वो x से मान ली यहाँ पर गुणा दूसरी संख्या है इनकी 117 बराबर इनका मासा है 13 गुणा 19 निवासी इनका है एलसीएम। अब देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, ये फॉर्मूला फिट कर दिया। अब देखिए 13 नुमा 117 होता है, और 9 से इसे आप काट दीजिए 19 नवासी को, तो 9 × 2 = 18 होता है, ठीक, और एक बचेगा 19 में 18 गए तो एक बचेगा, फिर 18 हो गए, 9 × 2 = 18, 9 में भाग 9 का देंगे तो एक बार 221 में बन गया, तो 221 ऑप्शन 2 में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 221। वही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पर आपसे प्रश्न इस तरह से भी दे सकता है वो, या उस फॉर्मूले के आधार से बना करके आपको दे सकता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, एक प्रश्न और है आपके लिए कि जिसमें दो संख्याएं दे रखी हैं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मासा और लासा क्रम का गुणनफल दे रखा है आपको, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के आप अगर देखेंगे इस प्रश्न को, तो दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, तो मान लीजिए पहली संख्या आपकी 3x है और दूसरी संख्या आपकी 4x है, कितनी है 4x है, रेशियो में है, तो हम इसे इस तरह से मान सकते हैं। तो अब आपको पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई, फॉर्मूला आपका होता है क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, जिसका मान दे रखा उन्होंने, दोनों का गुणा करके दे दिया उन्होंने आपको, एक स्टेप हल कर दिया उसने कि मासा और लासा का हल करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको
20 28 मिल रहा है, इसको हल करके आप पहले x का मान निकालेंगे, x का मान यहाँ लगा देंगे और फिर यहाँ लगा देंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद आप संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसे शॉर्ट ट्रिक से किया जाए तो आपको किस तरह से करना है, इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए आपके लिए तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, कितना होता है 7 होता है। इसके बाद अनुरूप लिखेंगे आप 20 28 बट्टे 3 × 7, 3 × 4 सॉरी, यानी कि इस संख्या में इस संख्या के गुणनफल का भाग करके अनुरूप के अंदर लिख लीजिए, बाहर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका इसका ट्रिक है एक तरह से, केवल ये ट्रिक इसी प्रश्न में काम करेगा जिसमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, लासा मासा को मल्टीप्लाई कर रखा है और आपको योगफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए है कि ये आपको योगफल के लिए हमने 4 और 3 7 होता है तो हमने 7 लिखा है, इसलिए ये आपके लिए ध्यान रहेगा कि हमें योगफल याद करना है तो आगे बाहर योगफल लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए 3 × 4 में करें तो कितना होता है 12, तो 12 का भाग करिए इसमें, कितनी बार कटा देखिए 12 एकम, पहले तो बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर ये वाला 7 आएगा, देखो यहाँ पर अनुरूप के अंदर कितना आएगा हल करके देखते हैं, 12 एकम 12, 20 में से 12 गए तो 8 बचेंगे और ये 72 हो जाएंगे, तो 12 6 72 82 हो गए, सॉरी 20 में से 12 गए तो 8 बचे, ये 82 हो गए, 82 में अगर हम 12 का भाग करेंगे तो 12 6 72 और 10 बचेंगे और ये हो जाएंगे 108, 12 नुमा 108 होता है। और आप देख रहे हैं 169 प्राप्त हुआ आपको अनुरूप के अंदर, जो कि 13 का वर्ग है, तो 13 बाहर निकलेगा अनुरूप से, और 13 का गुणा अगर 7 में करते हैं तो 13 7 91 आता है, 91 का मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन आप अगर इस ट्रिक से समझ में ना आया हो, कौन सी ट्रिक, इन दोनों का योगफल पूछा संख्याओं का, तो योगफल 7 है और आपको बस ये हल करना था 3 20 28 में भाग करना आपको 3 × 4 में, बस ये ट्रिक थी आपकी, ये हल कर लेंगे आप इसकी संख्याओं का योगफल निकल आएगा जो कि आपका ये आएगा। अगर इस तरीके से ना आए तो आप जरूर नहीं, आप इसी तरह से हल कर लीजिए, मैंने बताया था 3x × 4x = 20 28, इतना कर सकते हैं चातिया। अब मैंने कहा देखो एक्स गुणा एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वेयर होता है, तो एक्स स्क्वेयर ले लिया मैंने यहाँ पर, बराबर लिख लिया, ये 20 28 है इधर, और ये गुणा में 3 और 4 तो मैंने यहाँ बट्टे में पहुँचा दी 3 × 4 या 4 × 3, और ये स्क्वेयर हटाएंगे यहाँ से, इस जगह से स्क्वेयर हटाएंगे, बराबर से इधर लाएंगे तो अनुरूप लग जाएगा, मैंने यही प्रश्न सॉल्व किया है, एक्स का मान निकल आया, ये निकल आया आपका एक्स का मान कितना 13, हल करेंगे ये तो हमने हल किया था अभी 20 28 में 4 × 3, अब 13 में क्या करेंगे, 13 × आपका हम 3 में करेंगे, 13 3 39 हो जाएगा और 13 6 52 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको संख्या 91 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर, देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 9 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 270 है, ये संख्याओं का योगफल 99 है तो उनका अंतर कितना होगा, तो इस प्रश्न के लिए आपको, तो इसमें देखिए आपको जो है दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 99 और मासा दे रखा है 9, लासा दे रखा है 270, तो आप एक बार समझिए वे संख्याएं जिनका मासा 9 होता है अगर उन संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो उस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा, यानी मासा का मतलब यह है कि दोनों संख्याओं में पहले से 9 का भाग जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 18 संख्या है एक और एक 27 संख्या मान लीजिए जिसमें 9 का भाग चला जाए, दो संख्याएं ऐसी मान लीजिए जिसमें 9 का भाग चला जाए, अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे उसमें भी 9 का भाग चला जाएगा, तो आप एक चीज़ देखिए केवल यहाँ ऑप्शन ए ऑप्शन 4 ये दो सही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार कर रहे हैं इसे, तो देखिए यहाँ पर संख्याओं का योगफल कितना है 99, इसको ऐसे तोड़ना है कि आपको जो है अंतर 9 मिल जाए अथवा 18 मिल जाए, तो हम पहले ले लेते हैं 9 के अंतर को, जैसे 55 और 44 का अंतर निकालेंगे तो कितना आता है 11 आ रहा है, हाँ इसको अंतर आपको 9 लेना है, कितना लेना है
तो यहाँ पर देखिए जो संख्या बन रही है आपकी, ऐसी संख्या देखनी है जिसका योगफल 99 हो जाए और उन दोनों संख्याओं में 9 का भाग भी चला जाए, तो अंतर रहे 9। तो हमने अभी ले लिए कि 54 और 45 ले लेते हैं, देखेंगे इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 99 बैठेगा, दोनों संख्या में 9 का भाग जा रहा है और इनका अंतर भी 9 आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों का एलसीएम इतना आएगा क्या, तो आपका ये ऑप्शन सही माना जाएगा। नहीं आता तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए, और गुणा करने पर लासा गुणा मासा बराबर हो जाए प्रूफ, जो आपका फॉर्मूला था लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए इन दोनों गुणा कर लीजिए और इन दोनों गुणा कर लीजिए, तो ये आपका 9 का गुणा 270 में करेंगे तो 0 जो के तो 9 7 63 के 3 और 9 2 18, 18 6 होता है 24, तो 24 30 आया। और इसका भी गुणा करते हैं तो ये 24 30 ही प्राप्त हो रहा है हमें, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये ऑप्शन 4 सही होगा यार। और इससे निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसका अगर आप एग्जैक्ट जो इसका मेथड है गणित का, तो सबसे पहले आप निकालेंगे पहली संख्या मान लीजिए ए और गुणा दूसरी संख्या बी, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा, तो मासा दिया है 9 और गुणा लासा दिया है आपको 270, ठीक है ये दे रखा है 270 हो गया, पूरी संख्या हो गई 9 गुणा 270। अब आपको ए गुणा बी मिल गया और आपको दे रखा है ए प्लस बी, क्या दे रखा है ए प्लस बी बराबर 99। तो अब आप निकालेंगे ए माइनस बी, एक फार्मूला होता है ए माइनस बी बराबर अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी का होल वर्ग -4ab, थोड़ा बड़ा है इस मेथड से लेकिन आप करेंगे तो ए माइनस बी बराबर जो निकलेगा आपका 9 निकलेगा, क्या निकलेगा 9, बस इसी फॉर्मूले से पूछा उन्होंने, इसको आप हल कर लेंगे निकल आएगा ए प्लस बी का वर्ग यानी 99 का वर्ग जो कि आपका होता है 98 01 होता है, कितना होता है 98 01, याद कर लीजिए। देखो ए प्लस बी का होल वर्ग है और -4ab है, तो देखिए अनुर के अंदर जो था 98 01 ये आपका इसका वर्ग हो गया 99 का, -4ab 4 गुणा ए बी, ए बी का मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो कि थी 9 गुणा 270। 9 गुणा 270 मैंने अभी क्या निकाला था, 9 7 63 और 9 2 18 24, 9 2 18 18 6 24 है ना। अब 4 का गुणा इसमें कर लीजिए, इसमें से घटाएंगे तो अगर 4 का इसमें मल्टीप्लाई हम करते हैं तो करिए कितने का, 4 3 12 के 2 हासिल 1 और 4 6 16, 16 और 1 17 और हासिल 1, 4 2 8 1 9, 97 20 बना और ये 98 01 है। तो देखिए यहाँ 80 और 1 81 बचेगा, अगर 98 01 में से 97 020 घटाएंगे तो 97 20 में अगर 98 करना हो तो ये तो 80 की तो कमी पड़ रही यहाँ पे और एक यहाँ एक्स्ट्रा है, 81 बना, 81 का आपको वर्गमूल लेना क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है, तो 9 आएगा और ए माइनस भी कितना हो गया 9, ठीक है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एचसीएफ 12 है, इन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो देखिए इसमें भी एक वही फंडा है कि पहली संख्या आप 5x मान लीजिए और दूसरी संख्या आप मान लीजिए कितनी 6x, और उनका एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम निकालिए। तो वही फॉर्मूला है आपका कि लासा गुणा मासा बराबर लासा गुणा मासा का बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इससे निकाला जाता है। लेकिन आपको यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म इसकी बता देते हैं कि जब आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, कितना देगा अनुपात, और एचसीएफ दे रखा है, उस कंडीशन में अगर आपसे एलसीएफ पूछा जाए
तो एलसीएम का जो दूसरा रूप होता है वो होता है एचसीएफ गुणा उनका जो रेशियो होता है ना उन दोनों का गुणनफल, जैसे 5 और 6 है। तो आप यहां समझ लीजिए कि आपको बस इस तरह से प्रश्न दे कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, कुछ नहीं करना आपको, 12 गुणा 5 गुणा 6 इन तीनों को हल कर लीजिए बस, ठीक है। और हल करने पर जो आएगा वो आपका एलसीएम होगा। तो 12 अपन 60 होता है, 60 का 6 में गुणा करेंगे 360 आ जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगर अपने आप से हल करना चाहते हैं बिना ट्रिक के तो पहले 12 गुणा 5 में करिए, 12 पाँच 60 होता है, 12 छिंग 72 ये संख्या मिलेगी, पहली संख्या या दूसरी संख्या, क्योंकि उनका अनुपात दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ पे पहली संख्या में गुणा करेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, दूसरी में गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, अपने आप हल हो जाएगा, चाहे फॉर्मूले से निकाल लो चाहे आप ऐसे करके निकाल लीजिए। फॉर्मूला पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसका गुणा इसमें कर देना, बराबर लासा गुणा मासा। तो आपका मासा कितना है, 12। एलसीएम दो में निकाल ही जाना है तो इससे इसमें भाग कर देना, निकल आएगा। तो 12 छिंग 72, 6 का गुणा 6 में 36 आ गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार का प्रश्न आपसे अक्सर पूछे, चाहे तो इसके रूप अलग अलग दे सकता है। जैसे यहाँ आपको 3 दे रखा है तो 3 की जगह पे आपको दे सकता है, वहाँ पे मान लीजिए जैसे यहाँ पे ए दे रखा है ना, कहीं कहीं दे देता है आपको जैसे a की घात 3 और b की घात 2 c की घात 8, अगली संख्या दे रखी a की घात 2 b की घात 6 और c की घात 6, इन दोनों का एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी पूछ सकता है। यानी कि आपको जो समझाना मुझे मेथड, वो पावर वाली संख्या दे रखी गुणा में और उसका पावर में दे रखा है, तो कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां सबसे पहले देखिए क्या पूछा उन्होंने, एचसीएफ यानी कि मासा पा, मासा में आपको तीनों यानी जो संख्या चारों संख्या जो दे रखी है उसमें क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब अभाज्य गुणनखंड, यानी कि देखो 3 का इसमें भी आया है, चारों संख्याओं में, 5 का भी 4 संख्याओं में है, 7 का भी 4 संख्याओं में है, अर्थात 3 गुणा 5 गुणा 7 तो आना स्वाभाविक है, लेकिन घात कितनी आएगी वह आपको हल करने के निकालना है कि घात कितनी आती है। तो तीनों में देखिए, चारों संख्याओं में देखिए, घात सबसे छोटी जो होगी वो लिखी जाएगी, यहाँ भी सबसे छोटी घात जो होगी वो लिखी जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो सबसे छोटी घात होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी, क्योंकि सबसे छोटी घात ली जाती है मासा में। तो बताइए 127 और 128 129 में छोटी संख्या 100, चलिए थोड़ा क्लियर कर लें, दोबारा से ऐसे लिख लेते हैं समझ में आ जाए आपके, 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 की घात 127 बना, क्योंकि सबसे छोटी है, और इनमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या तो 128 बन रही है, 5 की घात 128 मान लेंगे, और इसमें अगर सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 21 है, 21 22 23 24 में सबसे छोटी संख्या 21। तो आपका एच सी एफ ये हो गया। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि एल सी एम क्या है, ठीक है, तो एल सी एम के लिए क्या करेंगे कि यही घात लिख लेंगे दोबारा से, यानी कि ये आधार, इसमें आपको बस सबसे बड़ी घात लिखनी है, क्या लिखनी है, ये उस कंडीशन में जब यहाँ पर ये एच सी एम ने पूछा हो, एल सी एम पूछा हो, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। अब सबसे बड़ी घात क्या है, 129 है, तो यहाँ 3 ही घात 129 लिख लो, और यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी घात, 129 है, यहाँ भी 129 लिख लो, यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, 24 है, तो 24 यहाँ लिख लेंगे, तो ये आपका जो है क्या बनेगा, एलसीएम। और एचसीएम मैंने आपको बताई दिया कि सबसे छोटी घात क्या आएगी, 3 पे आएगी आपको ये बात, ठीक, और इसमें जो घात आएगी वो ये वाली, इसमें घात आएगी वो ये वाली, मैच कर लीजिए कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए ये टिक भी लगा हुआ है, इसमें ये वाला मिल रहा है, ठीक है।
ये इसका तरीका होता है हल करने का। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला जो प्रश्न दे रखा है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। आपसे इस तरह से भी लाशा माशा के सवाल पूछ लेता है कि इस संख्या दे रखी है, इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी, या वो क्रम से बता दी, अभाज्य संख्या दे दे, या प्राकृतिक संख्या दे दे, या पूर्णांक संख्या दे दे, जैसे भी कहे वो। देखिए 1 से लेके 10 तक की संख्या आप पहले नोट कर लीजिए, उससे समझिए क्या होता है, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनका हमें एलसीएम निकालना है, तभी तो वो मानी जाएगी सबसे छोटी संख्या, जिसमें इसका भाग उसमें चला जाएगा। एलसीएम चाहिए इन 10 संख्याओं का। तो देखिए हम 1 को छोड़ देंगे क्योंकि 1 का भाग तो हर किसी संख्या में चला जाएगा। 2 को इसलिए छोड़ देंगे कि 2 का भाग देखिए यहाँ पे जा रहा है 10 में, ठीक है। 3 को छोड़ देंगे क्योंकि 3 का भाग 9 में जा रहा है। 4 को छोड़ देंगे क्योंकि 4 का भाग 8 में जा रहा है। 5 को छोड़ देंगे, 10 में भाग जा रहा है। और 6 को इसलिए छोड़ देंगे, 6 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 2। तो देखिए 3 का भाग यहाँ चला जाएगा और इसमें 2 का भाग यहाँ चला जाएगा। यहाँ तक हमने छोड़ दी संख्याएं, इससे हमें कोई मतलब रहा। अगर हम इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं तो हमें जो है संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो एलसीएम का मतलब है इनके अभाज्य गुणनखंड, यहाँ लिख लीजिए, जो एक दूसरे में मैच ना करें। तो देखिए अगर इसके जो है एलसीएम निकालेंगे हम, तो 7 का हमें भाग देना ही पड़ेगा। अगर ऐसे आप करते हैं ना, ऐसे करके देंगे ऐसे करके, तो सबसे पहले हमने 7 से भाग दे दिया मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमने मान लीजिए 7 से भाग दिया, 7 खत्म। और फिर हमने दिया इसमें देखिए 3 3 का 2 बार, तो 3 3 का 2 बार देंगे तो 9 खत्म हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 का देंगे तो 2 से 2 को 2 से देंगे तो यहाँ 4 बचेगा, और 2 से देंगे यहाँ 5 बचेगा। बाद बाकी सब खत्म ही हो गए ना, तो 2 का आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब तो हमें 5 का तो देना सुनिश्चित है और फिर 4 का भी देना सुनिश्चित है। आप इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे का, तो ये आपका एलसीएम निकल आएगा। मैं शॉर्ट थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, जैसे आप जो निकाल सकते हैं वो ऐसे करके 10 संख्याओं पर ऐसे चिन्ह लगा करके आप निकाल सकते हैं। पहले 2 से दीजिए, फिर 2 से दीजिए, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे करके निकाल लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो देखिए 2 गुणा 5 10 होता है, तो 10 का देखो 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। और इनका गुणा आपस में कर लीजिए, तो अगर 4 का गुणा अगर 9 में करते हैं, 9 6 36, और 36 में 7 का गुणा कर दीजिए, 36 में 7 का 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 21, 21 और 4 25 होता है। तो देखिए 25 20 इसमें जहाँ भी होगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, अपने मेथड से भी करेंगे तो आराम से हल कर सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस वीडियो का आपका ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्नों को समझ लीजिए पहले है क्या। यदि 2 आपको बहुपद दे रखे हैं का महत्तम समापवर्तक कितने हैं, तो P और Q के मान होंगे। पहली चीज समझ लीजिए, महत्तम समापवर्तक का मतलब है कि इसका भाग इसमें भी चला जाएगा, इसका भाग इसमें भी चला जाएगा, अर्थात ये जो है इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है। तो जब हम इस गुणनखंड है इसका जब भाग देंगे तो इस पास इस पर 0 आएगा, क्या आएगा, या ये कह लीजिए इसका शून्यक है। क्या है, शून्यक। शून्यक उसे कहते हैं, शून्य का नहीं, सॉरी गलती हो गई, शून्य का निकालेंगे इससे हम इसका x-3 = 0 रख लेंगे, तो x = 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। ये 3 शून्य है इसका, इसका और इसका शून्य है। शून्य का मतलब होता है x का मान 3 यहाँ लगा देंगे, इसका मान 0 हो जाएगा, और यहाँ 3 लगा देंगे तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको दो को इसे अलग से बताऊंगा। देखिए ये एक आपका बहुपद है, एक बहुपद ये है, यही दे रखी संख्या देखो आपको यहाँ पे इस प्रश्नों में, एक संख्या ये वाली और एक संख्या ये वाली। चलो हम इसके हल को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें माशा दे रखा आपको इतने, हम जानते हैं x-3 दोनों बहुपदों का एक गुणनखंड होगा, माशा है इसलिए, अर्थात हम x-3 = 0 रख दें तो x का मान 3 आ जाएगा, जो कि एक शून्य होगा। इन दोनों का इसमें मान रखेंगे तो ये शून्य के बराबर हो जाना चाहिए। तो x का मान 3 लगाया और 0 के बराबर रख दिया, इसमें भी x का मान 3 लगाया, यहाँ 0 के बराबर रख दिया। आपने क्या किया, 3 का वर्ग 9 हुआ यहाँ पे, देखिए
और पी गुना तीन बराबर 3 पी हो गया, हमने 3 पी पहले लिख लिया और माइनस क्यू पहले लिख लिया और ये 9 यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से ये भी हल कर लिया। ये हम संख्याएं इधर ले जा रहे हैं, 3 3 9 माइनस किया इधर ले गए तो प्लस की 9 हो गई। तो अब पी ओके तो रही ये वाली, ठीक है। अब देखिए इसमें 15 क्यू माइनस का है ये वाला, और इधर लाए बराबर की साइड में तो प्लस का हो गया क्योंकि 0 इधर लग गया लेफ्ट हैंड साइड में। और इसको गुणा करेंगे देखो तो 3 3 9 9 5 45 माइनस का हो गया 10 जा करके। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब इसमें क्या करेंगे आप, 3 का भाग कर देंगे 9 में तो 3 बचेगा, 15 में 3 का भाग करेंगे तो 5 बचेगा, और 3 का भाग 45 में करेंगे तो आपका 15 बचेगा, 15 या 45 होता है। अब ये जो है हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 को इधर लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखिए ये वाला समीकरण हमने इसके नीचे उतार दिया जो बनाया था हमने अभी इधर से, ठीक है ना। अब इसमें क्या करें, घटाएंगे इसे, घटाएंगे तो क्या होगा, ये संख्या माइनस की हो गई, जो माइनस की है वो प्लस की हो गई यहाँ पे, और जो प्लस की है वो माइनस की होगी यहाँ पे, देख रहे होंगे आप। इसे घटाएंगे तो 6 क्यू माइनस 24 बराबर 0 आ जाएगा, 6 क्यू बराबर 24 हो जाएगा, 6 का भाग 24 में करेंगे तो 4 भाग कट जाएगा, और आपका क्यू का मान 4 आ गया, वो यहाँ लगा देंगे क्यू का मान 4, यहाँ पे इस जगह पे 4 लगा दिया क्यू का मान देखिए। और हल करेंगे इसे आगे तो 4 आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 माइनस का हो जाएगा, बराबर से 75 करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और हल करेंगे इसे तो 3 पी बराबर -5, और पी की वैल्यू -5/3, यानी पी की वैल्यू हो गई है और क्यू की वैल्यू हो गई है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, कौन सा, -5/3, 4 -3/5/3 और ये 4, ऑप्शन नंबर एक। देख लीजिएगा फिर से आंसर क्या आया, 5/3 माइनस का है, 5/3 देखो है, ये इस तरह से हल हो जाता है, ठीक है। एक प्रश्न और रह गया इसका, इसे और हल कर लेते हैं। कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न और आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो है आपको परिमेय संख्या दे रखी है 4, इनका आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। आपको महत्तम समापवर्तक पूछे चाहे लघुत्तम समापवर्तक पूछे परिमेय संख्याओं का, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर महत्तम समापवर्तक पूछा है तो अंश भाग का यानी ऊपर वाली संख्याओं का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, और यदि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। शेष हर में जो संख्याएं हैं उनका वह निकाला जाता है जो न पूछा हो, जैसे महत्तम पूछा है तो लासा नहीं पूछा तो लासा निकाल लेंगे इसका। अगर यहाँ आपको लासा पूछा होता तो लासा ऊपर निकालते और मासा नीचे निकालते, बात समझ गए होंगे। महत्तम समापवर्तक पूछा है तो अंश का निकालेंगे और हर का निकालेंगे एलसीएम, और यहाँ रख देंगे ऊपर, आप समझिए HCF ऊपर वाली का और हर का निकालेंगे एलसीएम, ये इसके लिए हो जाएगा कंडीशन। अगर एलसीएम पूछा होता तो एलसीएम ऊपर आता और नीचे HCF आता, तो ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो देखिए आप बताइए, 2 8 4 6 का अगर महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 2 ही आएगा, कितना आएगा 2, और वो हमारे 2 ऑप्शनों में है, तो आपको मालूम पड़ गया ई के जो आपका जो प्रश्न है इसमें 2 ऑप्शन देखें, ये वाले और ये वाले गलत हो जाएंगे, तो केवल और केवल आपको जो है ये वाला ऑप्शन में से ढूंढना है, ठीक है। अब इसमें से इनका क्या लेंगे, महत्तम समापवर्तक तो ऊपर का हमने 2 ले लिया, अब आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है हर का। तो हर का एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसी संख्या देखनी है जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग चला जाए, तो 255 हो गई या 525, ये तो आपको एलसीएम निकालेंगे इसका। तो मान लीजिए ऐसे कर लिया आपने यहाँ पर, और सबसे पहले आप भाग देंगे किससे, इसमें 5 से दे दीजिए या 25 से दे दीजिए, क्योंकि हमें 2 25 से देना ही पड़ेगा, 25 में देखो ये 5 भी खत्म हो जाएगा और 25 भी खत्म हो जाएगा, नहीं चलिए 5 से देते हैं कि करके, जैसे कि और भी संख्याएं इसमें कटनी है, चलिए देखिए 5 से देते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 3 15, 5 5 25, 5 से फिर दे दीजिए। अब क्या देखो 5 3 7 सबको देना ही पड़ेगा आपको, तो आप देखो 5 7 3 इन सबको मल्टीप्लाई में ले लीजिए, जो आंसर आएगा वह हो जाएगा। तो देखिए 5 5 25, 25 7 होता है 175, और गुणा 3,
तीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 525 आएगा। क्या आएगा, 525। कैसे आएगा, कि 5 15 के 5, 7 21, 21 से 22, 7 2, 3 1 3, 3 2 5। तो आप समझ गए होंगे इसमें ये प्रश्न आपका ऑप्शन सही है। तो एक बार नोट कर लीजिए, इस तरह का अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ये प्रश्न आपसे हो जाना चाहिए। तो अब ये नोट कर लीजिए कि इस वीडियो में मैंने आपको HCF और LCM के हर संभव प्रश्न करा दिए हैं। आप बस नोट कर लीजिए, देखिए कि जो आपको अधिकांश से जो प्रश्न पूछे जाते हैं जो परीक्षाओं में, वो तो एक तो आपको प्रश्न देखिए, ये भी बहुत कम पूछा जाता है। देखिए ये प्रश्न बढ़िया है, आप इसे अच्छे से कर लीजिए, और इसके बाद ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, इसे भी कर लीजिए। और ये प्रश्न तो आपको इस तरह पे, ये जो है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लाचा गुणा महासा, इस पर आधारित जो प्रश्न है, एक ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये वाला, ये नहीं, एक तो यही है प्रश्न, ठीक है, और एक प्रश्न और है, हाँ ये वाला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और ये वाला। ये प्रश्न इस तरह से जो पूछे जाते हैं, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, ये हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, खासकर यूपी टेट, सी टेट और आप सुपर टेट, इनमें तो बहुत अच्छे प्रश्न माने गए हैं, ठीक है, ये प्रश्न जो है। और ये तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसे तो आप अच्छे से याद कर लें। मेरी तरफ से जो है केवल दो प्रश्नों, तीन प्रश्नों को मैं आपको इंगित करूंगा इस वीडियो में। एक प्रश्न तो आपका इस तरह का, वर्गा का टाइल्स दे रखी हूँ, ये संख्या ने ज्ञात कराई हो आपसे, और ये संख्या जो है फर्श में कितनी होगी, फर्श की लंबाई चौड़ाई दे रखी हो, इस तरह के प्रश्नों को आप जरूर कर लें। और एक प्रश्न कर लें कि पहली संख्या लाचा गुणा महासा, जो आपका ये प्रश्न है इस तरह से पूछे, चाहे वो इस तरह से लिख के दे दे, संख्या लिखने की शैली अलग अलग हो सकती है, प्रश्न बनाने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। और आपको जो है ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने बताए थे आपको, एक तो ये और एक ये, इस पर बार बार रिपीट करता है आयोग जो है। और बाद बाकी प्रश्न देखो, एक प्रश्न ये वाला है, ये वो अच्छे मिल जाएगा करने को, एग्जाम में मिलता है पूछने को, मैंने आपको बताया था ABC गाता हूँ, और एक जो है ये प्रश्न है, बाद बाकी सब अच्छे प्रश्न तो है ही है, लेकिन ये जो ज़्यादा मोस्टली मैंने आपको बता दिए, अच्छे से वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और हर संभव प्रश्न मैंने समावेश किया है इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है कि अब तक जितने भी प्रश्न पुराने प्रश्न पत्र हैं उन सब में से ये इन प्रश्नों को मैंने छांट करके अच्छे प्रश्नों को समावेश किया हुआ है, ठीक है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और यदि इस वीडियो का लाभ उन मित्रों तक भी पहुँचाइए, आपके जो वे मित्र हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इसे शेयर कर दीजिए। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल का नाम है मैथ विद घमंडी लाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।